हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। आज हम सिंपल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सीखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हमने आपको बार बार बताया मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको करना क्या है, मैथ के सवालों को एक बार अच्छे से समझना है। अगर आप मैथ के सवालों को अच्छे से समझने लगे तो मैथ का आपका कोई भी क्वेश्चन हो बहुत जल्दी इजीली उसे अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसको बहुत ही अच्छे से समझो। अगर आप क्वेश्चन को समझने की ट्राई करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर उसके आंसर भी आप इजीली निकाल पाओगे। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 रुपये है ना, उस पर जो परसेंट लग रहा है वो 4.5% लग रहा है वार्षिक, और आपसे कह रहा है 81 रुपये कितने टाइम्स में ब्याज बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट है ना, आपको जो यहाँ पर अमाउंट मतलब 450 रुपये आपको दिया हुआ है और परसेंटेज दी हुई है आपकी 4.5%। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक साल में आपको इतने परसेंट रुपए देना है ना। अब 450 का आप क्या करोगे, सबसे पहले 4.5% निकालोगे। अब 4.5% कैसे निकालोगे, वैसे तो 10% 20% 30 इन सबकी तो ट्रिक है, बट 4.5 की कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है, वो आप समझ लो अच्छे से। देखो, परसेंटेज होता है आपका 100 है ना। हम करते क्या है, जब भी हमें किसी नंबर का 7% 8% मतलब कुछ अलग परसेंटेज निकालना पड़ता है, जैसे यहाँ पर 4.5 निकालने पड़ रहा है, तो आप करोगे क्या, उस नंबर में 100 का डिवाइड लगा दोगे। होता क्या है, 100 का जब डिवाइड हम लगाते हैं तब वो हमारा 1% रह जाता है, क्योंकि जो टोटल परसेंट होता है वो कितना होता है आपका 100। अब 100 का ही हमने डिवाइड लगा दिया तो आपका वो कितना रह गया, 1%। और आपको पता है 1% निकलने के बाद अब आपको जितने परसेंट चाहिए आप उतने परसेंट का मल्टी कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दे रहा है मेरा 4.5 है ना, 1% हम निकालना है, 1% इसका कितना निकल कर आएगा, 4.5। अब 4.5 ये 1% है, तो 2% कितना हुआ आपका 9 है ना, और 3% आपका हुआ 30.5, 4% आपका हुआ 18। इसी तरीके से आप 4.5% निकालोगे तो आपका ये निकल के आएगा 20.25। ये आपको लग रहा है एक वर्ष में कितना लग रहा है आपका 20.25 रुपीज। ठीक है, वट आपसे कह रहा है कि 81 कितने टाइम में लगेगा। अब 20.25 जब आपको 1 ईयर में लग रहा है तो 2 ईयर में कितना होगा आपका 40.5 आपको कितना लगेगा 2 वर्ष में, और 2 का अगर हम डबल कर दें तो 40.5 का डबल हो जाएगा 81। तो आपका ये कितने टाइम में आ रहा है, 4 वर्ष में है ना। तो आप इस तरीके से अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर तो जो आपको नंबर परसेंटेज और दिया हुआ है तो पॉइंट में दिया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चनों में जो ना 5% 6% इस तरीके से दे देते हैं, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर हमसे क्या देखा, 10% लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 450 को 10% निकालते हैं, आपको 45 आ गया है ना। अब जितने टाइम से आपको पूछा गया था कि 90 रुपये कितने वर्ष में होगा, तो हम इजिली बता सकते हैं 2 वर्ष में होगा। अगर हमसे पूछ लेता 80 रुपये कितने वर्ष में होगा, तो हम इजिली बता सकते थे 4 वर्ष में होगा, क्योंकि 1 वर्ष में कितना लग रहा है आपका 45। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से मैथ के सवालों को अच्छे से समझो और फिर उसे आपको माइंड में कैलकुलेट करना सीखो, क्योंकि टाइमिंग कम होती है, टाइम बहुत कम होता है, और आपको सवाल काफी अगर कैलकुलेट करोगे कॉपी पर तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए टाइम कम होती है, माइंड में सॉल्व करना सीखो सवालों को। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।